हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यशोप नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन परमेश्वर का चुनाव। जिस तरह यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1:10 में लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मैंने आज के दिन तुझे जातियों के ऊपर और राजाओं के ऊपर अधिकारी ठहराया है। याद रखें, किसी भी चीज़ को जब परमेश्वर बनाता है तो उसका एक खास मकसद होता है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो कोई भी फालतू सामान नहीं लाते हैं। अगर हमने 10 चीज़ें खरीदी तो वह सारी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली होंगी। जो कुछ भी हम घर में लेकर आते हैं उसका एक मकसद होता है। उसी तरह परमेश्वर ने आपको भी किसी मकसद के लिए चुना है। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद का जीवन साधारण जरूर था, लेकिन वह परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। आज एक व्यक्ति साधारण हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर की खास योजना है। हो सकता है कि वह पिछले 7 साल से खाली हो, उसके पास कोई काम ना हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह साधारण है। याद रखें, अगर 7 साल वाला व्यक्ति परमेश्वर के मकसद को पहचान जाए और पवित्रता में चलना शुरू कर दे, तो परमेश्वर समय आने पर उसका चुनाव करेगा और उसको उसके भाइयों के बीच में आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को एक अलग स्थान पर रखा और उसकी तैयारी करवाई। परमेश्वर का उसकी ज़िंदगी में एक मकसद था और अपने समय पर परमेश्वर ने उस मकसद को दाऊद के जीवन में पूरा किया। लेकिन आज लोग परमेश्वर की योजना को नहीं समझना चाहते हैं। वह अपनी परेशानियों में परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। अगर मसीही लोगों को देखें तो वह थोड़े से दुख के कारण पाप करने लग जाते हैं, सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, आज आपको अपने हालातों में यह नहीं सोचना कि मैं कैसा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में एक खास मकसद रखा है और उसके लिए एक समय रखा है। परमेश्वर सही समय पर आपका चुनाव करेगा, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह का चुनाव किया और जातियों को नष्ट करने के लिए उसे भविष्यद्वक्ता ठहराया। वैसे ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी अपनी योजना को पूरी करेगा। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपका अभिषेक मुझे छुए, ताकि जो भी मेरी ज़िंदगी में आपका चुनाव है वह पूरा हो सके। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ मेरी बुलाहट को पूरा होने से रोक ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।